Morning, student. How are you all? I hope you all are well and good at your home. Stay home, stay safe. My name is Shruti Patel, and I am from Capital Modern School. Student, today we will learn in second class EVA subject chapter number. Nine, आज हम सेकेंड क्लास का ईवीएस का चैप्टर नंबर नाइन पढ़ेंगे सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट टू ओपन योर ऑल इन वन सेमेस्टर वन टेक्स्ट बुक ऑन अ पेज नंबर वन हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री योर नाइन्थर इज गिवन वॉट इज द नेम ऑफ योर चैप्टर प्लांट्स अराउंड अस तो चैप्टर का हेडिंग पढ़ के ही हमें समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर में हम प्लांट्स रिलेटेड स्टोरी पढ़ेंगे ओके लेकिन उससे पहले हमें मैचिंग करना है तो यहाँ पे सर्ब सब कौन सा है ये वाला प्लांट है हब हब ये वाला प्लांट है और ट्री ये वाला प्लांट है ओके नाउ लेट्स स्टार्ट प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर प्लांट्स हमें पूरी अर्थ पे सभी जगह पे देखने मिलेंगे लाइक ह्यूम्स एंड एनिमल्स प्लांट्स आर अ लिविंग थिंग्स जैसे ह्यूमन और एलिमेंट्स है वैसे ही प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है दे डू नॉट मूव बट दे ग्रो वो मूव नहीं करते हैं लेकिन वो बड़े होते हैं प्लांट्स नीड्स एयर वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो प्लांट्स ग्रोथ करने के लिए प्लांट्स को क्या जरूरत है एयर वाटर और सनलाइट की जरूरत है नव टाइप्स ऑफ प्लांट्स देर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट सम प्लांट्स आर बिग वाल सम आर स्मॉल यहाँ पे बहुत सारे जो है प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं कुछ प्लांट्स के पार्ट बिग होते हैं और कुछ प्लांट्स के पार्ट जो है स्मॉल होते हैं ओके okay? टॉल एंड स्ट्रोंग आर कॉल ट्री जो प्लांट टॉल एंड स्ट्रोंग होते हैं उसको ट्री कहा जाता है दे हैव थीक वूडी स्टीम कॉल ट्रंक उनके पास थीक वूडी स्टीम होती है उसको क्या कहेंगे स्टीम मतलब पता है ना ये वाला भाग जो रहता है तो ये स्टीम जो है थीक और वूडी होती है बड़ी चौड़ी सी होती है उसको ट्रंक कहते हैं मैनी एनिमल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लिव एंड ऑन द ट्री सो बहुत सारे एनिमल्स बर्ड्स और इंसेक्ट जो है वो पेड़ के अंदर ट्री के अंदर या ट्री के ऊपर रहते हैं अ ट्री लिव्स फॉर मैनी इर्स ट्री जो है वो बहुत सालों तक जिंदा रह सकती है एग्जाम्पल मैंगो ट्री एंड पान ट्री ओके नाव नेक्स्ट वन इज अ सर्ट सर्ब आर स्मॉलर देन ट्रीज सर्ब जो है वो ट्री से स्मॉलर होते हैं दे हैव अ मैनी ब्रांचेज दिस ब्रांचिज ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड तो उनके बहुत सारे ब्रांच होते हैं और वो ब्रांचेज जो है वो ग्राउंड के एकदम क्लोज रहते हैं फॉर एग्जाम्पल रोज जैस्मिन कॉटन ये सारे सर्ब के एग्जाम्पल है नाउ नेक्स्ट इज हब्स हर्ब्स आर अ स्मॉल प्लान जो छोटे पौधे होते हैं उसको क्या कहते हैं हर्ब्स कहते हैं दे हैव अ सॉफ्ट ग्रीन स्ट्रीम उनकी स्ट्रीम कैसी होती है सॉफ्ट सॉफ्ट और ग्रीन कलर की सम हर्ब्स आर ऑल्सो यूज एज अ मेडिसिन कुछ हर्ब्स जो है वो मेडिसिन के तौर पे यूज किए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल मिंट एंड तुलसी ओके तो आपको ट्री सब और हर्ब में समझ में आ गया होगा नाउ कलेक्ट लीव्स ऑफ अ डिफरेंट प्लांट फॉल ऑन वन आपको क्या करना है आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें से जो लीव्स रहते हैं जो नीचे जमीन पे गिरे हुए हाँ मैंने पेड़ पेड़ से तोड़ने को नहीं बोला है आपको नीचे जो जमीन पे गिरे हैं वो पत्तों को उठाना है और ड्रो अ बिग ट्री ऑन अ चार्ट पेपर एक चार्ट पेपर से बड़ा सा ट्री बनाना है और वो पत्तों को जो हाँ आपने कलेक्ट किया है वो आपके ट्री में लगाना है ओके नाउ नेक्स्ट वन इज अ क्लाइंबर सम प्लांट्स है वीक स्टीम कुछ प्लांट्स की स्टीम कैसी होती है वीक कमजोर होती है दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट वो सीधा ग्रो नहीं कर सकते दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड उनको खड़े लेने के लिए किसी चीज का सपोर्ट चाहिए सच प्लांट्स आर कॉल क्लाइंबर जैसे कि आप यहाँ पे मनी प्लांट को देख रहे हो राइट right? तो मनी प्लांट को भी ग्रो करने के लिए सपोर्ट की जरूरत है तो उसको क्या कहेंगे हम क्लाइंबर कहते हैं फॉर एग्जाम्पल पीस मनी प्लांट्स एंड ग्रेफाइन ओके नाउ नेक्स्ट वन इज अ क्रीपर्स क्रीपर्स किसे कहते हैं सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड बिकॉज ऑफ देयर वीक सीन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर ही फैलते जाते हैं जमीन के ऊपर ही फैलते जाते हैं वो ऊपर नहीं उठते हैं क्यों क्योंकि क्यों, उनके क्यों, क्यों, स्टीम वीक होता है दे आर कॉल क्रीपर्स फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन एंड पंपकिस आर क्रीपर्स तो हमने डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज के बारे में प्लांट्स के बारे में जाना हर्ब शर्ब ट्रीज क्लाइंबर एंड क्रीपर ओके नाव टाइम टू आंसर सो नीड अ सपोर्ट टू ग्रो क्या आएगा क्लाइम्बर हैव अ थी वुडी स्ट्रीम ट्रीज है सॉफ्ट स्ट्रीम हब है मैनी ब्रांचेस सर्व ओके नाव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे अ प्लांट हैज अ मैनी पार्ट सम ऑफ देम आर रूट्स रूट्स किसे कहते हैं दे हैव टू कीप द प्लान फिक्स इन दॉयल सॉइल में प्लांट को फिक्स रखने के लिए का काम कौन करता है रूट दे ऑल्सो टेक अ फूड एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल ऑफ अ साम प्लांट तो रूट कुछ ऐसे दिखते हैं आप सबने देखे होंगे है ना किसी पेड़ को अगर उखाड़ दिया होगा या वो अपने आप उखाड़ दिया गया होगा तो ऐसे आपको के जैसे दिखेंगे वो रूट्स है रूट क्या काम करते हैं प्लांट्स को जो है जकड़ के रखते हैं जमीन के साथ और जमीन के अंदर से फूड एंड वाटर को कंज्यूम करके प्लांट तक पहुंचाते हैं नाउ नेक्स्ट वन इज अ स्टीम व्हाट इज स्टीम इट सपोज द प्लांट प्लांट का सपोर्टिव पार्ट जो है उसको स्टीम कहते हैं इट इज़ द स्ट्रांगेस्ट एंड थिकेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट ये पूरे प्लांट का स्ट्रांग सबसे ज़्यादा मजबूत और थिकेस्ट पार्ट रहता है इट ऑल्सो हेल्प अस टू टेक अ फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स अदर पार्ट्स तो जो लीव्स हमारी खाना बनाती है उससे पूरी प्लांट में जो है खाना पहुंचाने का काम कौन करता है स्ट्रीम करता है ओके नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज अ लीव्स सो दे मेक अ फूड फॉर यूजिंग फॉर द सनलाइट यूजिंग ऑफ सन लाइट सनलाइट का यूज करके लीव्स जो है वो हमारे लिए खाना बनाती है ओके लीव्स सॉरी प्लांट्स के लिए खाना बनाती है लीव्स आर अ ग्रीन इन कलर दे आर अ डिफरेंट शेज एंड शाइप सो लीव्स जो है वो डिफरेंट कलर के हो ग्रीन कलर के होते हैं और अलग अलग शेप और साइज के होते हैं नव फ्लावर्स इट इज द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट पूरे प्लांट का सबसे ज्यादा कलरफुल पार्ट है तो कौन है वो फ्लावर्स है नेक्स्ट अट फ्लावर्स ग्रो इन टू फ्रूट कुछ फ्लावर्स जो है वो ग्रो करके फ्रूट बन जाते हैं फ्रूट्स है सभी फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं द सीड्स कैन बी वन टू और मैनी इन द नंबर डिपेंडिंग ऑन द फ्रूट तो जो नंबर रहते हैं जैसे कि वन टू और बहुत सारे सीड्स भी होते हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं डिपेंड करते हैं कौन से टाइप का फ्रूट है ओके नाउ टाइम टू आंसर आई कीप द प्लांट फिक्स द ग्राउंड तो यहाँ पे क्या आएगा रूट आई एम द मोस्ट कलरफुल प्लांट पार्ट ऑफ अ प्लांट फ्लावर देन आई हैव अ सीड्स इनसाइड मी फ्रूट I make a food for a plant, leaf. Okay. Now uses of a plant. Plants are very useful to us. We get many things from them. Plants keeps air clean and fresh. So plants हमारे लिए बहुत ज़्यादा useful है हमें plants से बहुत सारी चीज़ें मिलती है Plant जो है वो air को clean and fresh रखने का भी काम करता है Plants give us a food. we get a fruits and vegetables nuts from a plant plant hame bhojan dene ka kaam karta hai hame fruits vegetables or nuts plant se hi milte hain plant also give us a food grains plant जो है हमें food grains देने का भी काम करता है। plants give us a fiber to make a clothes sacks ropes and mats so कपड़े बनाने के लिए बोरी बनाने के लिए रस्सी और मैट बनाने के लिए भी प्लांट जो है हमें फाइबर प्रोवाइड करता है देन प्लांट गिव अ वुड विच इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर प्लांट हमें लकड़ियाँ देता है जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं वी गेट टी कॉफी एंड शुगर फ्रॉम प्लांट तो हमें टी कॉफी और शुगर भी प्लांट से ही मिलता है प्लांट सच एज द मस्टर्ड गिव अ कुकिंग ऑयल तो मस्टर्ड जो है वो मस्टर्ड क्या करता है कुकिंग ऑयल बनाने के लिए हेल्पफुल होता है प्लांट्स गिव अस अ पेपर गम एंड रबर हमें पेपर गम और रबर भी प्लांट से ही मिलता है वी आल्सो गेट अ मेडिसिन फ्रॉम द प्लांट्स सच एज नीम तो हमें प्लांट से जो है क्या मिलती है मेडिसिन भी मिलती है फॉर एग्जाम्पल नीम ओके वी ऑल्सो गेट अ परफ्यूम फ्रॉम प्लांट्स सच एज रोज एंड जास्मिन तो प्लांट से हमें परफ्यूम भी मिलता है एग्जाम्पल है रोज एंड जामिन अंदर स्टूड सो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है आपको समझ आया ओके नाउ टाइम टू आंसर क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फ्रॉम क्लोथ्स किससे बनाए जाते हैं फाइबर से और फाइबर किससे मिलता है प्लांट से फर्नीचर आर मेड अप ऑफ फ्रॉम वुड प्लांट्स कीप द एयर क्लीन प्लांट्स गिव अस अ फूड टू इट ओके सो हमने ये चैप्टर में टाइप्स ऑफ अ प्लांट्स पढ़े देन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स पढ़े देन यूजेस ऑफ अ प्लांट पढ़े आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा ओके नाउ लेट अस प्रैक्टिस सो फिल इन द ब्लैंक्स प्लांट्स नीड डैश एंड डैश टू ग्रो तो एयर एंड वाटर क्या आएगा यहाँ पे एयर एंड वाटर Dash and dash are parts of the plant. So roots and steam. Roots and steam. Then some flowers grow into fruits. We get dash and dash from plant. So tea and coffee. Okay? नाउ टिक द राइट आंसर ट्रीज हैव अ डैश स्ट्रीम तो यहाँ पे हार्ड स्टीम आएगा डैश हैव अ विक स्टीम तो आएगा क्लाइम्बर प्लांट्स गिव अ रबर प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स नाउ नेम द टाइप्स ऑफ अ प्लांट पंपिन सो पंपकिन कैसा प्लांट आएगा क्रिपर मनी प्लांट

small part with many branches close to the ground are called subs right any two uses of a plant plant give us a fresh air plant give us a food okay what is the function of a root so root kya function kata hai root hold the soil tightly and uh, it's also had to transfer any food and water from the soil which are part of a plants help टू टेक अ फूड फ्रॉम द लिवस टू द अदर प्लान तो आंसर क्या आएगा स्टीम ओके सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी कम्प्लीट होती है और हमारा ये नाइन्थ चैप्टर जो है वो कम्प्लीट होता है आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर ए बी सी जो है आपकी ईवीएस की नोटबुक में लिखना है आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा ओके थैंक यू